Assalamu alaikum. My name is Javed Iqbalewan. Online tour guide web application on ASP.NET and MVC की सीरीज में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ. इस सीरीज में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस एप्लीकेशन को कम्प्लीट करूँगा ASP.NET एंड MVC पे. उस सीरीज में हमने पहले जो रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने, उसमें मैंने एंटिटीज बनाई थी और उसके अगेंस्ट में डेटाबेस और टेबल क्रिएट किया था. एक और ही दे दूंगा जिसमें हम लोगों ने रिजर्वेशन करनी होगी, जो ऑनलाइन यूज़र जो आएगा रिजर्वेशन करेगा, पेमेंट का शेड्यूल करेगा, अच्छा पैकेज वगैरह होंगे जो कि एडमिन ऐड करेगा वो पैकेज वगैरह सिलेक्ट करेगा, सर्विसेज होंगे जो एडमिन ऐड करेगा वो सर्विसेज को जो है वो जो सर्विस लेना चाहता है उसकी रिक्वेस्ट करेगा. लॉगिन पैनल होगा लेकिन सिर्फ यूज़र के लिए होगा, एडमिन के लिए होगा. एडमिन इस पर लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो CMS के थ्रू यानी अपने एडमिन पैनल से वो सर्विसेज वगैरह ऐड करेगा, पैकेजेस वगैरह ऐड करेगा. ये मैंने सिनारी सोचा था कि इसके अगेंस्ट में हम एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाएंगे ASP.NET MVC पे, और इसके बाद जितने भी इसके आगे मज़ीद फीचर्स है वो तो आप इसमें ऐड करते रहेंगे, लेकिन इसकी स्टार्टिंग बेसिक इस तरीके से होगी. तो उस सीरीज़ में जो है वो पहली रिकॉर्डिंग में मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया था, एंटिटीज़ के अगेंस्ट में माइग्रेशन हमने यूज़ किया था. वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा कि डेटाबेस क्या है और कौन सा हमने डेटाबेस बनाया, उसके लिए क्या एंटिटीज़ बनाई है. तो मैंने डेटाबेस जो मैंने क्रिएट किया था एंटिटीज़ के थ्रू, उसमें मैंने टेबल का जो नाम दिया था वो दिया था DB टूर के नाम से. जो है डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था, डेटाबेस क्रिएट किया था DB टूर के नाम से, और उसमें हमने जो है वो मुख्तलिफ ये टेबल्स क्रिएट किए थे. तो डेटाबेस तो सिर्फ माइग्रेशन की तो मैंने क्रिएट कर दिया था DB टूर के नाम से, और उसमें टेबल्स हमारे क्रिएट हो गए थे. आज की रिकॉर्डिंग में मैं एडमिन और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाऊंगा कि एडमिन कैसे लॉगिन होगा, कैसे रजिस्टर्ड होगा. और लास्ट में जब मैं यूज़र्स के लिए एडमिन इसलिए नहीं, मैं भी शायद नहीं बनाऊँ, या हो सकता है बना भी दूँ अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो बना भी दूंगा, लेकिन मेरी नज़र में जब पैकेजेस लेगा और पैकेज लेने के बाद जब लास्ट में सबमिट करेगा तो मैं उससे उसकी रजिस्ट्रेशन उसकी इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, वो इन्फॉर्मेशन यूज़र को पास कर देगा तो लॉगिन होना ज़रूरी नहीं होगा मेरी नज़र में. लेकिन अगर आप समझते हैं कि भाई ऐसा किया जाए तो कोई इशू नहीं है, मैं वो भी बना दूंगा. लेकिन इस तरह की एप्लीकेशन में यूज़र्स का लॉगिन होता नहीं है क्योंकि या तो वो सिर्फ सर्विस पैकेज वगैरह सेलेक्ट करते हैं और देन उसको उसके अगेंस्ट में जो है वो उसको उसकी रिक्वेस्ट जो होती है वो एडमिन के पास चली जाती है, फिर एडमिन जो है वो फर्दर उससे कॉन्टेक्ट करता है और उसको पैकेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है पेमेंट लेने के बाद. तो आज मैं सबसे पहले कंट्रोलर बनाऊँगा, मैं एक ही कंट्रोलर पे काम करने का जहन बना रहा हूँ कि मैं एक ही कंट्रोलर बनाऊंगा. एडमिन कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर बना लेते हैं, एम्प्टी कंट्रोलर बना लेते हैं. अब मैं चाहता हूँ जैसे ही यूज़र आता है, यूज़र इस पेज पे आएगा, जैसे ही टॉप पे आता है तो मैं जैसे रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हम स्टार्टअप पेज डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे मैं एडमिन के अंदर इंडेक्स ही को कॉल कर लेता हूँ, एज ए स्टार्टअप पेज बना लेता हूँ ताकि ये कि एडमिन लॉगिन होगा और जो है इंडेक्स के पेज पे जो है स्ट्रेटजिकली चले जाएगा. और इसके बाद जब इंडेक्स पे पेज पे जाएगा तो देन उस सूरत में क्या होगा कि हम इंडेक्स पे ही लॉगिन बना लेते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट एक इंडेक्स बना हुआ ये HTTP गेट का है, तो मैं पोस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए HTTP पोस्ट का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ. और इसके अगेंस्ट में मैं इसी मेथड को, इंडेक्स वाले मेथड को रिटर्न करता हूँ, रिपीट करूँगा, वो गेट का हो जाएगा, ये हमारा पोस्ट का हो जाएगा. और यहाँ पर आके मैं जो है सबसे पहले लाइब्रेरी ऐड करता हूँ मॉडल की. हमने कहा यूजिंग सिस्टम डॉट, हमारी एप्लीकेशन का नाम है टूर गाइड. सिस्टम नहीं आएगा, यूजिंग टूर गाइड डॉट मॉडल्स की मैं यहाँ पे लाइब्रेरी कॉल कर लेता ताकि इस मॉडल को मैं एक्सेस कर सकूँगा. जो मैंने मॉडल्स के अंदर जो अपनी जो क्लासेस बनाई हुई है उसको मैं एक्सेस कर सकूँगा, और इसके अंदर जो मेरी क्लास है कॉन्टेक्स्ट वाली जो क्लास है मैं उसको एक्सेस करना चाहूँगा जिसके ज़रिए से मैं लॉगिन को हिट करूँगा. तो यहाँ भी हमने जो है वो उसके लिए जो नाम रखा है लॉगिन का रखा हुआ है और उस क्लास का नाम मैंने CS का रखा हुआ है. तो देन हमने क्या करना है, एडमिन कंट्रोलर पे आके और मैंने यहाँ पे मॉडल कॉल कर दिया है. तो अब मैं क्या करूँगा, CS वाली क्लास जो है
उसको मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ किसी भी नाम से। फॉर एग्जाम्पल मैंने सी के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जब मैं सी के नाम से इसका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है, इसके मैं जूम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जितनी भी क्लासेस थी उन सबको एक एक नाम दे दिया है। ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा था कि डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ की क्लास के, जब इसको हम किसी भी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो बेसिकली डेटा एक्सेस लेयर बन जाती है। डेटा एक्सेस लेयर ऐसी लेयर जो कि हमें डायरेक्टली डेटाबेस तक एक्सेस दे रही होती है। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर बना रहा होता है, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। और उसके अगेंस्ट में ये क्लास जो है हमारे पास जो है वो डेटा एक्सेस लेयर बन गई, इसका हमने नाम रखा CS। और इसी CS के नाम से मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग भी बना दी थी, तो मुझे इसके कंस्ट्रक्टर कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इस नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बनाता, अगर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग CS के नाम से नहीं बनाना चाहता हूँ, कोई और नाम देना चाहता हूँ, तो देन उस सूरत में मुझे जो है वो उसका किसी भी क्लास के उस क्लास को किसी को भी नाम दे सकता था, लेकिन फिर उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू मुझे बेस के मेथड में CS या कोई भी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना पड़ता है जिस नाम से मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई हुई है। तो खैर मैंने लास्ट क्लास में ऐसा किया था कि CS ही के नाम से क्लास बना ली थी। आगे जो मज़ीद मैं MVC के प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा तो वहाँ मैं चेंज करके, ताकि आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि अगर हम किसी और नाम से क्लास बनाएं तो उसको कैसे कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ मैच करते हैं। तो चूँकि यहाँ क्लास का नाम भी CS है, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम भी CS है, तो डायरेक्टली ये मैच हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आके लॉगिन्स के नाम से मैंने लॉगिन की जो मैंने क्लास बनाई है, ऊपर जो लॉगिन की क्लास बनी हुई है, मैं इसी को रजिस्टर्ड के लिए भी यूज़ करूँगा और इसी को मैं लॉगिन करने के लिए भी यूज़ करूँगा। तो जो आपके पास जहाँ लॉगिन की मैंने क्लास बनाई है उसको मैंने यहाँ नाम पास किया लॉगिन्स का नाम पास किया। तो मैं इसको हिट करूँगा और यहाँ से लॉगिन कराऊँगा। तो हम अपने एडमिन कंट्रोलर पे आते हैं, इंडेक्स पे आके यहाँ पर आके मैं उसी क्लास को यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने अभी क्लास बनाई है लॉगिन क्लास की, और इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ L के नाम से। अब मैं यहाँ पे लॉगिन का कोड लगाना चाहता हूँ, तो लिंक के सिंटैक्स को यूज़ करूँगा मैं और लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा। जिसे मैंने X के नाम से एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पर आके मैं अब क्या करूँगा कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है C के नाम से, तो हमने कहा C.logins। अब ये लॉगिन्स ये वो क्लास आ गई या जो डेटा एक्सेस लेयर की क्लास है, जो डेटा बेस तक मुझे एक्सेस देगी। तो जो मैंने DB कॉन्टेक्स की क्लास के थ्रू CSC क्लास को इनहेरिट किया था, तो ये मुझे डेटा बेस तक एक्सेस देगी। तो मैंने यहाँ पर आके C.logins मेरी क्लास का नाम है, डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट मैं यूज़ करूँगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर आके उसके आर्गूमेंट पर आके मैं मैच करूँगा यूज़र ID और ईमेल ID और पासवर्ड को। तो यहाँ मैंने अपनी जो लॉगिन की जो क्लास बनाई है, मैंने तीन फील्ड बनाई है। एक तो ID मैंने प्राइमरी की के लिए रखी, जो कि मैं यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ ऐसी प्राइमरी की देने के लिए मैंने रखी थी, ना भी दे तो ज़रूरत नहीं थी। और जो ईमेल रखी थी मैंने एक फील्ड रखी थी, और इसी तरीके से एक पासवर्ड की रखी, तो मैं इसको मैच करना चाहता हूँ। तो देन उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे कि हमने लैम्डा एक्सप्रेशन में यूज़ कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ ए कोई भी वेरिएबल ले लिया A.email, और चाहूँ तो मैं यहाँ पे दो दो इक्वल करके मैच कर सकता हूँ या डॉट इक्वल्स का मेथड भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अगर डॉट इक्वल्स का मेथड लगाना है तो फिर उसके आर्गूमेंट पे जाके हमने L जो ऑब्जेक्ट बनाया, मैं अपनी क्लास पे जा रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी क्लास एंटिटीज़ है, और ये लॉगिन हमारी डेटा एक्सेस लेयर है जो कि DBT कॉन्टेक्स के थ्रू DBT कॉन्टेक्स की क्लास के थ्रू बनी हुई है। तो मैं अब अपनी क्लास में जाऊंगा, या दो तरीके, या तो मैं यहाँ पे आके स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल ले लूँ E के नाम से और फिर कॉमा लगा के फिर मैं दूसरा वेरिएबल ले लूँ P के नाम से, तो वो भी मैच कर सकता हूँ। लेकिन मैं डायरेक्टली क्लास से मैच करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एंटिटीज़ बनाई हुई है और डेटा कोड फर्स्ट के अप्रोच को यूज़ किया हुआ है, तो फिर मैं इसी को करूँ तो बेहतर है ना। अगर मैं डेटा फर्स्ट के अप्रोच को यूज़ करता तो फिर ठीक है, मैं वहाँ से वेरिएबल असाइन करके वहाँ से भी काम कर लेता, लेकिन चूँकि मैंने क्लास बनाई हुई है तो मैं उसको मैच करूँगा। तो मैंने कहा L.email। दूसरी कंडीशन लगाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया, और फिर मैं कहता हूँ A.password, यानी जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है, तो मैं पासवर्ड को मैच कर रहा हूँ .equals, और इसको मैं मैच कर देता हूँ L.password से। ठीक है जी, अब यहाँ पर आके मैंने जो है अपना कोड कंप्लीट कर दिया लॉगिन के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि लॉगिन मेरा कोड हो गया, अब अगर ये यूज़र ID मैच हो जाती है और पासवर्ड मैच हो जाता है तो फिर मैं क्या लिखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैंने कहा X.not equal to null, मैं नॉट इक्वल टू नल कर देता हूँ। अच्छा, हमें एक मेथड भी मिलता है ANY any के नाम से, वो बुलियन मेथड है, वो भी लॉगिन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो फिर इस तरह की इक्वेशन में नहीं होता। वो अगर मैं सिंपल अगर लिंक का सिंटैक्स यूज़ करता हूँ, जैसे हमने कहा var X equal to, फिर हमने कहा C.logins.var, और फिर अगर मैं पूरा कोड करता हूँ तो फिर वो उस पर एनी का कोड लग जाता है, जो इसमें जो .to list का डेटा हो, लिस्ट की शिकल में डेटा हो। तो लेकिन यहाँ मुझे लॉगिन करना है,
और तो एक इक्वेशन पे भी करना ज़्यादा बेहतर है लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। अब मैं चाहता हूँ अगर वो लॉग इन हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाए, तो हमने कहा रिटर्न, रिटर्न कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर आके व्यू में आके उसके आर्गूमेंट पे मैं कोई भी नाम रख देता हूँ। मैंने कहा एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैश का नाम दे देता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड का नाम दे देते हैं। इसका मतलब अगर लॉग इन हो जाता है तो एडमिन डैशबोर्ड पर ले आएगा, और अगर नहीं एल्स अगर लॉग इन नहीं होता तो देन उस सूरत में हमने कहा इसको जो है वो रिटर्न कर दो, इसी के व्यू पे ले जाता हूँ और इसके व्यू पे लेके यानी इसी के व्यू पे ले आऊँगा, कौन से लॉग इन वाले व्यू पे ले आऊँगा, और यहाँ पे आके एक मैसेज पास कर देता हूँ। मैंने कहा व्यू बैक डॉट एम, इसको भी वेरिएबल बना लिया, और मैंने कहा रॉन्ग यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है जी। इसका मतलब अगर यूज़र आईडी पासवर्ड रॉन्ग होगी तो एल्स ब्लॉक में आएगा या मैसेज पास कर देगा और आपको व्यू पे ले जाएगा, किस व्यू पे ले जाएगा, मैं इसी के इंडेक्स के व्यू पे इसको ले जाता हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके मैं व्यू जनरेट करता हूँ, मैं इंडेक्स पे आके राइट क्लिक करके आके मैंने ऐड व्यू किया। अच्छा अब देखिए मैं या तो मैं सी एस एस बनाऊँ उसके थ्रू करूँ, मैं वो भी कराऊँगा, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सी एस एस खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और कोई टेम्पलेट वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है इसी का स्कैफोल्ड के थ्रू मैं क्रिएट का टेम्पलेट बना लेता हूँ और उसके ऊपर आप सी एस एस इम्प्लीमेंट कर दो। मैं दोनों तरीके आपको सिखाता हूँ, मैं इसका नाम इंडेक्स ही रहने देता हूँ, इसके व्यू का नाम, और यहाँ मैं क्रिएट का मेथड ले लेता हूँ, और फिर इसके बाद यहाँ पे आके लॉग इन क्लास है तो मुझे क्रिएट नहीं करवाना, मुझे सिर्फ उसे दो टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए और एक बटन चाहिए, यानी दो, एक में ईमेल और एक में पासवर्ड के लिए दो टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए और बटन चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए मैं इसको जो है वो क्रिएट का मेथड यूज़ कर रहा हूँ, और लेआउट अगर मैं देना चाहता हूँ तो यहाँ पे लेआउट देंगे तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट सी एस एच टी एम एल का जो पेज है वो आ जाएगा, और अगर हम लेआउट नहीं देना चाहते तो उसको हम जो है वो अनचेक करेंगे तो लेआउट इक्वल टू नल हो जाएगा। अब मैं लेआउट नहीं देना चाहता, मैंने इसको अनचेक कर दिया और मैंने इसको ऐड कर दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है पेज खुलेगा, क्रिएट करेगा, वो क्रिएट के लिए बनाएगा, लेकिन वो चूँकि सिर्फ और सिर्फ मैं क्रिएट का टेम्पलेट ले रहा हूँ, तो मैं क्रिएट के टेम, क्योंकि असल चीज़ तो कंट्रोलर है, एक्शन तो कंट्रोलर कर रहा है ना, अब व्यू तो सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, कंट्रोलर में मैंने क्रिएट का कोई मेथड लगाया नहीं, मैंने वहाँ तो लॉगिन का मेथड लगाया हुआ है, तो सब मतलब वहाँ से तो लॉगिन करेगा, मुझे तो सिर्फ एक टेम्पलेट चाहिए। तो इस टेम्पलेट में देखें वैलिडेशन भी लगी हुई है और एडिटर भी बना हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे जो है वो लेबल दूसरे भी के लगा, तो मुझे जो यहाँ से आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट थी वो तो इसने ऑटोमेटिकली ली नहीं है, और जो बटन पे क्रिएट लिख रहे हैं मैं उसकी जगह यहाँ लिख देता हूँ लॉग इन। और इसी तरीके से बैक टू लिस्ट है, मैं बैक टू लिस्ट की जगह इसको रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, मैंने कहा था साइन अप दे देता हूँ ताकि यहाँ से जो रजिस्टर्ड उसको होना हो तो यहाँ से रजिस्टर्ड हो जाए, चाहे तो हमने यहाँ से आकर बी आर भी पास कर दिया, इसको ब्रेक भी कर देते हैं, और साइन अप मैं आगे मेथड बनाऊँगा, एक मेथड बनाएंगे, जब चले हम यहाँ लिख देते हैं जो मैं मेथड बनाऊँगा, मैं आर ई जी का नाम दे देता हूँ, इस नाम से मैं मेथड बनाऊँगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ। फिर जो मैंने वहाँ पे व्यू बैक का मैसेज पास किया था वो मैं मैसेज यहाँ दे देता हूँ, और मैसेज देने के लिए हमने यहाँ पे हेडिंग लेना चाहे तो हेडिंग ले लें, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एच थ्री की हेडिंग ले ली। अब मैं व्यू बैक का रिटर्न लेना चाहता हूँ तो रिजल्ट सिंटैक्स में पहले हम ऐट द रेट साइन लगाते हैं, और फिर हमने कहा व्यू बैक, और मैंने वो जो वेरिएबल वहाँ रखा था एम के नाम से वो मैंने यहाँ पास कर दिया। ये उस सूरत में फायर होगा अगर वो एल्स में आएगा तो एम के मैसेज में पास करेगा, अगर नहीं तो फिर वो उसमें नहीं जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब मैं अगर यहाँ से रन करता हूँ यहाँ से, तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्टअप पेज बनाया हुआ है वो स्टार्टअप पेज मैंने एडमिन के अंदर इंडेक्स ही बनाया हुआ है तो वही खुलेगा। फ़र्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेगा, डेटाबेस टेबल वगैरह जो है वो, खैर वो तो पहले मैं क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन उसको बाइंड करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है जी।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो ईमेल और पासवर्ड, बेसिकली ये क्रिएट वाला टेम्पलेट आया है, लेकिन क्रिएट तो कर नहीं रहा, सिर्फ मैच कर रहा है। तो मैंने चूँकि यहाँ पे रजिस्टर तो किया हुआ नहीं है, और मेरे पास जो रिकॉर्ड है जो टेबल के अंदर TBL लॉगिन मेरे पास है, मेरे उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है यहाँ से जो है वो मैंने कोई रजिस्टर नहीं किया हुआ, इसलिए जो मैच तो करेगा नहीं। तो अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, अच्छा वैलिडेशन भी देखे इस पर लगी हुई है, क्योंकि मैंने वो टेम्पलेट यूज़ किया है तो वैलिडेशन भी लगी होगी। तो जैसे मैं ये लगाता हूँ तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, देखें आगे। तो यहाँ पे जो है वो पासवर्ड ईमेल एड्रेस का पैटर्न लगा हुआ है, वैलिडेशन लगी हुई है, और पासवर्ड मैंने 5 करेक्टर दिए थे। तो अगर मैं ये करूँगा तो फिर उसमें भी जो है वो, अच्छा मैंने इसमें नहीं दिए थे। अच्छा अब क्या होगा देखें, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो उसने, अच्छा ये 5 करेक्टर मैंने दिए हैं, और अगर मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ 5 करेक्टर भी दे देता हूँ, तो रॉन्ग यूज़र आईडी और पासवर्ड का मुझे मैसेज आ गया कि यूज़र आईडी और पासवर्ड मेरी रॉन्ग है। ठीक है जी, यहाँ मैंने साइनअप जो है वो बैक टू लिस्ट की जगह जहाँ साइनअप लिख दिया था, और उसके अंदर आरी जगह के नाम से मैंने रजिस्टर्ड के नाम से हमने मैंने एक मेथड का नाम लिखा था, जिस नाम से मैं क्रिएट करूँगा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ था मैंने साइनअप लिख दिया था, और साइनअप लिख के मैंने यहाँ पे REG के नाम से एक मैं मेथड क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो साइनअप का प्रेस करे, बटन प्रेस करे, तो उसको रजिस्टरेबल फॉर्म पे लेके जाया जाए। तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक और मेथड बनाऊंगा, उसके लिए भी मैं पहले गेट का मेथड बनाऊंगा। गेट ना भी लिखे तो ज़रूरी नहीं होता, अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, हमने कहा HTTP गेट, लिखना चाहे लिखे, ना लिखना चाहे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल जो होता है वो गेट ही होता है। मैंने कहा पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्लास यूज़ करूँगा, REG के नाम से मैं मेथड बनाऊँगा, और मैं गेट का बना रहा हूँ तो यहाँ मुझे कुछ भी नहीं करता, सिर्फ व्यू में रिटर्न कर देता हूँ मैं, ताकि वो इस पेज पर ले आएगा। और इसके बाद दूसरा जो मैं मेथड बनाऊँगा वो मैं पोस्ट के लिए बनाऊँगा, और यहाँ पे आके हमने सॉरी मेथड बनाया हमने का पब्लिक एक्शन रिजल्ट REG के नाम से मैं मेथड बना रहा हूँ, और यहाँ भी मैं लॉगिन की क्लास यूज़ कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे क्रिएट के लिए बनाना चाहता हूँ, सेव कराने के लिए बनाना चाहता हूँ। तो बहुत आसान है, MVC में डेटा सेव करना है, लिंक का सिंटैक्स यूज़ होता है, सी मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है लेयर का, तो सी डॉट मैं कहूँगा लॉगिन डॉट ऐड, सिंपल ऐड का मेथड है, और उसके आर्गूमेंट पर अपनी एंटिटीज का ऑब्जेक्ट दे देंगे एल को, बस इतना सा काम है, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमने कहा सी डॉट सेव चेंजेस, तो सेव चेंजेस का मेथड यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसको रिटर्न व्यू कर देता हूँ, मैंने कहा रिटर्न व्यू, और अच्छा अब मैं चाहता हूँ जैसे रजिस्टर्ड हो जाता है तो ये फिर आप उसको उस लॉगिन वाले पेज पे ले जाए। तो अब कंट्रोलर देखो मेरा एक ही है, एडमिन के नाम से कंट्रोलर, तो मुझे कंट्रोलर देने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली व्यू पे आके अपने जो है मैंने इंडेक्स जो बनाया था, इंडेक्स के नाम से मैंने व्यू बनाया था, मैं डायरेक्टली उसको दे सकता हूँ, क्योंकि कंट्रोलर हमारा सेम है। अगर कंट्रोलर मुख्तलिफ होगा तो फिर कंट्रोलर का नाम भी देना पड़ेगा और साथ में व्यू का नाम भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, और अगर मैसेज पास करना चाहते हो तो यहाँ से मैसेज पास कर, लेकिन चूँकि मैं डायरेक्टली उसको वहाँ पास कर दूँगा तो फिर तो मुझे मैसेज की ज़रूरत ही नहीं, मैसेज तो शो ही नहीं होगा। अब मैं रजिस्टर्ड का भी व्यू बना लेता हूँ, और मैंने ऐड व्यू कर दिया, और ये मैं स्कैफोल्डिंग से बनाता हूँ, मैंने क्रिएट किया। अब चूँकि मैंने मेथड को कोड भी क्रिएट के लगाए हैं, तो फिर मैं ये जो है क्रिएट का ही मेथड बनाएगा, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। लेआउट इसमें भी मैंने नहीं लिया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इसे खुद ही क्रिएट कर दिया कोड, और यहाँ पे आके हमने एक मैसेज पास करना चाहे तो चेंज कर लेते, ऊपर से तो मैसेज दे देते हैं, और हमने कहा H2 का हेडिंग दे देता हूँ, और मैंने कहा क्रिएट अकाउंट, ठीक है जी। और ये जो लॉगिन लिखा था यही दे देते हैं, बेहतर रहता है, हमें इस लॉगिन को हटा देता हूँ, क्योंकि लॉगिन हमारे मेथड का नाम है, वो जहाँ से मेथड का नाम पास करता है, और इधर अंडर रूल लगी भी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे जो है क्रिएट का नाम ही है, बस सही है, इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। और बैक टू लिस्ट में की जगह भी मैं लिख देता हूँ कि अगर कोई क्रिएट हो जाता है, या फिर अगर उसका तो ID पास बना हुआ, कहता मैं तो बना हुआ है और मैं अब जाना चाहता हूँ अपने उस पेज के ऊपर, तो ठीक है फिर आप यहाँ पे साइन इन लिख दो। अगर कोई डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं करना चाहता, उसने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, एडमिन किया हुआ, तो साइन इन के लिए करेगा तो उसको इंडेक्स पे ले जाएगा, और नहीं तो जैसे वो रजिस्टर्ड करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको इंडेक्स पे ले जाएगा, दोनों काम कर लेंगे। अब यहाँ देखिए,
बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो पेज खुलेगा वो लॉगिन वाला खुलेगा, इंडेक्स वाला पेज खुलेगा, एडमिन वाले पेज पे इंडेक्स वाला पेज खुलेगा। ठीक है जी, अब मुझे लॉगिन नहीं करना, मैं साइन अप क्लिक करूँगा तो मुझे उस पेज पे ले जाएगा, क्रिएट अकाउंट पे ले जाएगा। या मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, पैटर्न तो आपको पता है मैंने पहले दिखा चुका, वैलिडेशन लगी हुई है और मिनिमम 5 करेक्टर की वैलिडेशन लगी हुई है इस पर, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 और xyz@abc.com और 1 2 3 से लेकर 6 तक मैंने पास कर दिया। जैसे मैं क्रिएट का बटन प्रेस करूँगा तो ये जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव करेगा और मुझे लॉगिन वाले पेज पर ले जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब है बिल्कुल सही हमारा कोड और क्रिएट हो गया। और जब मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ अपने कोड पे तो मेरे पास अकाउंट वो क्रिएट हो चुका है xyz@abc.com, ईमेल आईडी जनरेट हो गई है और इसके अलावा एक रो क्रिएट हुई है मेरे पास और साथ में पासवर्ड भी मैंने ये दे दिया। तो मतलब अब इससे लॉग इन हो सकता हूँ। अब लॉग इन करके देखते हैं। अब मैं लॉग इन के लिए मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5 6 और मैं यहाँ से लॉग इन का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो इसका मतलब अब मुझे किस पर ले जाएगा, डैशबोर्ड पर, लेकिन डैशबोर्ड का मैंने व्यू तो बनाया नहीं है। चलो देख लेते हैं, एरर दे देगा और फिर हम डैशबोर्ड का व्यू बना लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको कहीं भेजा नहीं है इसको, शायद मैं देख लेता हूँ, कोड को देखता हूँ। अगर लॉग इन हो जाता है तो फिर मैंने उसको क्या कहा है कि मैंने इसको कहा है कि अगर हो जाता है तो एडमिन डैशबोर्ड इस नाम से मैं बनाना चाहता हूँ ना, तो हम एक व्यू बना लेते हैं। मैं कोई कंट्रोलर नहीं बना रहा हूँ फिलहाल, सिर्फ ऐसे व्यू बना रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। बाद में हम कंट्रोलर भी बनाएंगे और व्यू भी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड व्यू कर लेता हूँ और मैंने इसके व्यू का नाम दे दिया एडमिन डैशबोर्ड और मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ मैंने लिखवा देता हूँ, मैंने कहा ताकि क्लियर हो जाए इससे समझने के लिए, एडमिन डैश। ठीक है जी, अब अगर लॉग इन हो जाता है तो उसको इस पेज पे ले जाना चाहिए। ठीक है जी, मैंने कहा ABC, अच्छा ABC XYZ था ना, आई थिंक हमने क्या, नहीं XYZ ABC XYZ ABC और हमने पास दिया 1 2 3 4 5 6 और मैं उसको लॉग इन कर देता हूँ। ठीक है जी, इसका मतलब हमें एडमिन के डैशबोर्ड पे ले गया वो। और अगर पासवर्ड रॉन्ग में, वो भी आपको मैसेज दिखा चुका, अगर रॉन्ग होगा तो रॉन्ग ही ले आएगा। अब ये हमने जो काम किया इसमें मैंने कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं किया, मैंने इसी का जो है अपना बिल्ट इन टेम्पलेट यूज़ किया, लेकिन मैंने इसका लेआउट पेज नहीं लिया था, इसलिए CSS वगैरह कोई इम्प्लीमेंट नहीं है और सिंपल डिज़ाइन बना ना इसका। तो या तो हमने समझ गया, अगर लेआउट पेज इंप्लीमेंट करेंगे, लेआउट आप अच्छा बना लेंगे, मेरी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा, लेकिन मैं लेआउट पे इतना फोकस नहीं करूँगा, बाद में किसी टाइम करूँगा, क्योंकि वो हमारा टाइम कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लेआउट हमारा। तो मैं मेरे पास चाहते एक बने बनाए बिल्टन लेआउट है, मैं उसको यूज़ कर लूँगा और उस पर काम कर लेंगे। कुछ मैंने जो है वो बाद में बनाने की कुछ रिकॉर्डिंग डाल दूंगा जिसमें मैं लेआउट बनाना भी आपको सिखाऊंगा। अब जैसे मेरे पास एक लेआउट बना हुआ है, मैंने यहाँ पे एक लेआउट है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा लुक एंड फील अच्छा हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू पे आते हैं और हमने जो यहाँ पे इंडेक्स वाला व्यू बनाया है, मैं इस पे आ जाता हूँ और ये जो इसने जो कोड किया है, मैं इसके बाद यहाँ पर आ गया, ये वाला कोड लगा देता हूँ। इस कोड मैंने इस तरह के फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है कि बहुत आसान है, आपको मैं कोड पूरा और भी दे दूँगा इसका, और चाहे तो आपको कोड चाहिए मैं आपको कोड भी दे दूँगा, कि यहाँ पर आके मैंने सिंपल अपना जो है वो मेथड का नाम देना है, एडमिन मेरा जो है वो पेज है और मैं अभी इंडेक्स पे हूँ। सो मतलब यहाँ से मैं जो है वो इंडेक्स को डायरेक्टली हिट करूँगा तो डायरेक्टली इंडेक्स वाले जो है वो का जो हमने मेथड बनाया हुआ है, एक्शन डिजाइन का मेथड बनाया हुआ है कंट्रोलर में, एडमिन के कंट्रोलर में, वो डायरेक्टली उसको हिट कर देगा। और यहाँ पर आके मैंने जैसे जैसे हमने कहा
एज लॉगिन, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो हमने जो दूसरा बनाया था आरी जी का, मैं यहाँ भी ये कोड कर देता हूँ, क्रिएट अकाउंट के बाद मैं यहाँ भी कोड कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर आगे कोड करके मैं REG के साथ इसको बाइंड कर देता हूँ, एडमिन कंट्रोलर में बना हुआ है, और यहाँ मैंने वैल्यू के अंदर हमने कहा सेव सेव दे देते हैं। अब यहाँ देखिए मैं चलाता हूँ आपके सामने, इनको चला के देखेंगे, वो भी बना हुआ है, फिर बाद में इसको आप आपके सामने दोनों को में फ़र्क नज़र आ जाए लेआउट कैसे हो गया, और उसके बाद फिर हम उसको चाहे तो उसको उड़ा देंगे। ठीक है जी, ये देखिए हमारे पास अभी उन्होंने बनाया वो आ गया। तो इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। तो सिंपल मैंने जो है वो सिंपल CSS लगाई है। अब मैं यहाँ से लॉगिन करना चाहता हूँ तो यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। हमने कहा XYZ ABC और यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया 6, और लॉगिन कर देता हूँ तो ये हमें डैशबोर्ड पर ले जाएगा। तो ये देखिए डायरेक्टली ये बटन आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है जी। और अगर मैं अब मैंने सेशन नहीं बनाया, मैंने सेशन इसलिए नहीं बनाया कि मैं सेशन बनाता तो फिर सेशन सेशन जो हमें क्लोज़ करना पड़ता, बार बार मसला होता, इसलिए मैं सेशन नेक्स्ट जो है वो ट्रेनिंग में जिसमें जो लेआउट लगाऊंगा, टेम्पलेट लगाऊंगा, साथ में सेशन भी करा दूंगा, क्योंकि फिर हमें बार बार लॉगिन करने की या रजिस्टर करने की चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर आके साइनअप के बटन पर आ जाता हूँ तो साइनअप का बटन देगा मुझे वो ले आएगा, तो यहाँ भी आ गया। या मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने कहा ABCXYZ और उसको पासवर्ड भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 दे देता हूँ, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए सेव हो गया, ये मैं उस पेज पे ले गया, और यहाँ जाके हम देखते हैं तो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है जी। ये अच्छा ये पहले भी क्रिएट हुआ था, ये मैंने अभी क्रिएट किया, ठीक है जी। तो कहने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे बड़ी आसानी से काम हो गया, कि हमारे से टेम्पलेट भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब मुझे उन कोड की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और फिर दोबारा भी इसको चला के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको मज़ीद तसल्ली हो जाए और आप जो है ईज़िली इस पर काम कर सकें। अब मैंने जो उसने जनरेट किया था कोड, मैं उसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये सारा कोड है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है जी। ये मैंने डिव बनाई हुई है, चाहे तो इसके अंदर ही मेथड पास कर दें, या चाहे तो इस डिव को उस डिव के अंदर लगा देते हैं, और मैं इसको यहाँ पर इस डिव के अंदर लगा देता हूँ जहाँ से मैंने इसको साइन अप रजिस्टर्ड का लिंक दिया था, और इसके बाद चाहे तो हमने यहाँ पर ब्रेक करने के लिए BR लगा दिया, ठीक है जी। और इसी तरीके रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे आते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी जो कोड उसने स्कैफोल्डिंग के थ्रू लगाया था मुझे नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसी तरीके से मैं इसकी भी डिप को हटा देता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर ले जाता हूँ, BR देना चाहे तो BR पास कर लेते, थोड़ा लाइन पर ब्रेक आ जाएगा। तो अब मैंने उसके कोड कटा दिया है, मैं यहाँ से चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। साइन अप ऊपर मौजूद है, ले आएंगे इसको, मसला नहीं है, इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ मैं नया अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने ये SH कर देते हैं, ये हमने कहा एक मिसाल है JK@gmail.com, पासवर्ड मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और अच्छा सॉरी, मैं तो साइन अप पे जाके दूंगा ना, मैं साइन अप पे आ जाता हूँ, और यहाँ मैंने कहा JK@gmail जो भी नाम से बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये अकाउंट सेव हो जाएगा, और साथ में मुझे इंडेक्स वाले मेरे जो है लॉगिन वाले पेज पे भी ले जाएगा। ले गया और यहाँ जाके देखते हैं कि वाकई सेव हो गया, तो देखिए हमारे पास ये अकाउंट सेव हो गया JK वाला, ठीक है जी। फिर इसके बाद आ जाते हैं, अब मैं यहाँ पर आगे से लॉगिन हो जाता हूँ 7, और मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ तो लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है जी। वेरी गुड, अच्छा 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास ये भी चले चेक हो गया, लॉगिन भी पासवर्ड गलत है तो भी चल गया, और हमें एडमिन के डैशबोर्ड पर ले गया।
तो बड़ी आसानी से मैंने सिंपल कोड से ये काम किया है और एक सिंपल सीएसएस बनाई है। सीएसएस को मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जो मैंने यहाँ बनाई है। बहुत सिंपल से कोड किया है, अगर आप इसको देखें तो मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए इसकी अपनी ही क्लासेस को यूज़ किया है। अगर आप इसको देखना चाहें या अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको ये सीएसएस भेज दूँगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी कोशिश करके आप ये कोड खुद से करें, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने जो है वो फॉर्म एक्शन लेके मैं आपको इसको वो दे देता हूँ। इसको मैं दो लाइन में ब्रेक कर देता हूँ ताकि आसानी से आपकी समझ में आ जाए। ठीक है जी, अब आपको सारा कोड रीडेबल हो गया होगा, अब आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं कोड को। इतना मुश्किल कोड नहीं है, बड़ा आसान से कोड है। तो असल चीज़ यहाँ पे ये है, यूजिंग करके मैंने कॉल किया हुआ है, ठीक है जी। इसको रहने दे, एक ही लाइन में रख दिया गया। तो यूजिंग करके मैंने इसको कॉल किया हुआ है और यहीं पर मैंने HTML डॉट बिगिन फॉर्म करके यहाँ डायरेक्टली अपने व्यू पास कर दिया और फिर अपने कंट्रोलर दे दिया। और बाकी कोड तो वही है जो मैं वो भी जनरेट करता है, वहाँ से भी कॉपी पेस्ट, मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट भी किया हुआ है, ठीक है जी। और इस तरीके से हमने जो है वो उसको टेक बॉक्सेस वगैरह बना के हमने इसको मैच कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको डिज़ाइन कीजिएगा और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं टेम्पलेट एक इम्प्लीमेंट करता हूँ, एडमिन का टेम्पलेट इस पर इम्प्लीमेंट करूँगा और साथ में सेशन भी कराऊँगा। और फिर इसको देखते रहिएगा और कोशिश करके अपनी एप्लीकेशन को साथ साथ बनाते रहें ताकि गैप ना दें। पहले आप एंटिटीज़ पर जाएँ, उसको देखें, एंटिटीज़ क्रिएट करें, फिर इस पर आए और लॉगिन क्रिएट करें। इसके बाद मैं फ़ौरन से थोड़ी देर बाद जो है मैं टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करूँगा। टेम्पलेट का भी मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने अलग से एक छोटा सा कोड बनाया हुआ है और उसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा और वहीं से डायरेक्ट लिंक पास कर दूँगा। फिर आप जितना अच्छा टेम्पलेट लगाना चाहे उसी तरीका आना चाहिए। तो देखते रहिएगा इसको और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी करें मेरे वीडियोज़ को, और ताकि मैं साथ साथ आपको जो है मज़ीद वीडियो करूँ। बेल के बटन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में मुलाकात होती है।